खाकर आपको मजा आ जाएगा। बनाने के लिए हमें केवल 3 चीजों की जरूरत है। पहला एक कॉटन या मलमल का कपड़ा, दूसरा फुल क्रीम दूध। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप फुल क्रीम दूध या भैंस का ही दूध लें, क्योंकि इसमें ज्यादा पनीर निकलता है। तीसरा 2 बड़े साइज नींबू का रस दिया है मैंने। लिए मैंने ये बड़ा बर्तन ले लिया है, उसको अच्छे से धुल लिया है और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, थोड़ा सा, ताकि नीचे से दूध ना जल पाए। इस दूध को 8 से 10 मिनट के लिए उबलने देंगे, जब तक उबाल ना आ जाए। और इसको मीडियम फ्लेम पर ही उबालेंगे, ज्यादा तेज में उबालने से जलने का डर रहता है नीचे से दूध, और ऊपर मलाई नहीं जमने देंगे। इसको चम्मच की मदद से चलाते रहेंगे। ये देखिए दूध उबल रहा है धीरे धीरे, हल्की ऊपर मलाई आ रही है, तो मैं इसको चम्मच से चलाती रहूंगी बीच बीच में। ये दूध अच्छे से पक चुका है, तो अब इसमें मैं फुल 2 चम्मच मैं इसमें नींबू का रस डाल देती हूँ और इसको चलाऊंगी तेज करके, गैस तेज करूंगी और चम्मच की मदद से चलाऊंगी इसको। देखिए इसको चम्मच की मदद से चला रही हूँ मीडियम गैस करके। मैं ज्यादा तेज करूंगी तो वो दूध नीचे गिराएगा। अब मैं थोड़ी देर बाद फिर मैं नींबू का रस डालती हूँ 2 चम्मच के समथिंग। इसको चम्मच की मदद से चला दिया है। ये देखिए ये पनीर दूध धीरे धीरे फटने लगा है, ये पनीर बनने लगा है, ये समझ में आ रहा होगा आपको। ये गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो है। अब ये जितना है मैं पूरा नींबू का रस ऐड कर दिया। ये देखिए कितने अच्छे से पानी अलग हो रहा है और ये पनीर बिल्कुल अलग हो रहा है। ये देखिए ये बनकर तैयार हो गया है पनीर, गैस स्लो में है, पानी पूरी तरह से अलग हो चुका है पनीर से, ना पनीर बनकर तैयार है। अब मैंने गैस ऑफ कर दिया। पानी जब अलग हो जाता है और पनीर उससे हट जाता है, तब हमको गैस तुरंत बंद करनी है, इससे पनीर बिल्कुल मुलायम बनता है। एक बड़ा बर्तन लिया है, उसके ऊपर ये छन्नी रख दूंगी, जालीदार छन्नी। उसमें मैं ये व्हाइट कलर का जो कपड़ा था उसको इसके ऊपर बिछा देती हूँ। ये मैंने पूरा इसमें पलट दिया है और ये पानी जो अलग हो जाएगा वो भी कई चीजों के लिए, कई इसके लिए यूज होता है। उस पानी को हम फिर से पनीर बनाने में यूज कर सकते हैं। ये पनीर का बचा पानी बहुत काम आता है। पहला बच्चों के शरीर में पानी की कमी को दूर करता है, दूसरा इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करता है, तीसरा चेहरे पे चमक बढ़ाता है। और यदि ये पानी आपको फिर से पनीर बनाना है तो आप नींबू के जगह इस पानी को आप यूज कर सकते हैं। रनिंग वाटर में पनीर को अच्छे से धुल लिया ताकि नींबू का रस निकल जाए। ये देखिए पनीर अलग हो गया है। अब इसकी मैं पूरी गोल पोटली बना लूंगी और ये बढ़िया से केक जैसे अच्छे से ये बनकर तैयार हो जाएगा। अब मैं इसको ऐसे इसको अच्छे तरीके से इसका पूरा जितना एक्स्ट्रा नींबू है उसको निचोड़ लिया है, ऐसे बढ़िया धुल दिया है पानी की मदद से। तो इस तरीके से दबाकर मैंने एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है और अब इसमें मैं वेट रख देती हूँ, हल्का वेट जैसा हो आपके पास। पनीर की पोटली को प्लेन सरफेस में रखकर उसके ऊपर इतना वेट रख दें ताकि उसका सही शेप आ जाए। ये मेरा पनीर बनकर तैयार है। अब आप इसको फ्रिज में 2 से 3 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। जब भी अब ये पनीर 15 से 20 मिनट बाद आप यूज कर सकते हैं। आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।